मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, विस्थापन सहित अन्य मांगों को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय पर दिया एक दिवसीय धरना। महिलाएं हाथ में झाड़ू लेकर बीसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ जताया आक्रोश। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा आदि सुविधाओं को बहाल करते हुए उचित विस्थापन की मांग को लेकर लोधना क्षेत्र संख्या 10 के क्षेत्रीय कार्यालय पर जयरामपुर, लोधना, बरारी, बागडिगी, जीनागोड़ा, ईस्ट बरारी के नागरिकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सभा को धारण महिलाएं हाथ में झाड़ू लेकर बीसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश जताए। प्रदर्शन एक सभा में तब्दील हो गया। अध्यक्षता मुद्रिका पासवान और संचालन भगवान दास ने किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोधना क्षेत्रीय प्रबंधन आउटसोर्सिंग ठेकेदार के हाथों की कठपुतली बन गई है। इस क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी रहते हुए भी सूसे के पैटी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री देव प्रभा कंपनी को आवासीय क्षेत्रों में ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। लोगों ने यह भी कहा कि लोधना क्षेत्रीय प्रबंधक और आउटसोर्सिंग प्रबंधन डीजीएमएस के नियमों की खुलेआम धज्जियां पहले से ही उड़ा रहे हैं और फिर वही काम करने जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब तक क्षेत्र की जनता का उचित रोजगार और शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं के साथ विस्थापन की नीति नहीं बनती, तब तक आउटसोर्सिंग का चक्का क्षेत्र में हिलने नहीं देंगे। मौके पर विंदा पासवान, प्रजा पासवान, नौसाद खान, सुरेश गुप्ता, रीना पासवान सहित बस्ती के लोग मौजूद। प्रबंधकों के टेबल पर पड़ा हुआ है। लोधना क्षेत्र के लोग कोयला उत्पादन करने में कोई बाधित नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये पुनर्वास का मुद्दा जो है समुचित व्यवस्था के साथ किसी झरिया विधानसभा में हम लोग घर बना के बसा दे, हम लोग की यही डिमांड है। और जिसका घर उजड़ेगा उसको रोजगार की व्यवस्था साथ ही साथ करना होगा। एक गुंडा रूपी जो यहाँ के ठेकेदार को हैंडओवर किया है, जो एंटी परवा का नाम से उसको टेंडर नहीं है, ये जो सुशी कंपनी के ये टेंडर है उसको जबरदस्ती है, जो धीरा के धमका करके उसको जबरदस्ती टेंडर दिलाया गया है कि गुंडा रूपी ये ठेकेदार है, ये जो लाठी मार के मजदूरों को घर खाली करवा देगा। उसको ये विश्वास है प्रबंधक को, प्रशासन के लोगों को, लेकिन हम लोग जितना भी असंगठित मजदूर के लोग हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं। विस्थापन नीति रोजगार का साथ लागू करें, विस्थापन करें। हम लोग कोयला निकालने के विरोधी नहीं है, लेकिन रोजगार का साथ दे, बेलगड़िया में दे देगा, बेलगड़िया में दे देगा, वहाँ बैर और पुटुस का पत्ता नहीं चबाएगा आदमी। रोजगार का साथ विस्थापन करें, लोग जाने के तैयार है और कोयला निकाले, हम लोग उसका कोई विरोधी नहीं है। साथ ही साथ है, खाली विस्थापन की बात नहीं है, समय से पहले जबरदस्ती बीसीसीएल रिटायर कर दे रहा, समय से पहले, इसका भी विरोध में आज है और भी है। आज तक जो रिटायरमेंट हुआ उसको छुट्टी का पैसा नहीं मिला, रिटायरमेंट हुआ उसको मेडिकल फैसिलिटी ठीक से नहीं मिलता है, बोलता कौन बीमारी है आगे लिखा के लाओ उसका बात है। बोलिए ये कहाँ का नियम है? बहुत सा मुद्दा है, खाली विस्थापन ही नहीं है, विस्थापन तो है मेरा मेन मुद्दा, समय से पहले रिटायरमेंट का मेन मुद्दा है, लेकिन साथ साथ में बहुत सा मुद्दा है जिसका हम लोग आज बड़े आक्रोश का साथ लोग शामिल हुआ है और हम लोग अभी गेट में बैठा ही रहेंगे।